आपको बधाई दे रहे हैं। माँ, मैं आपको ऐसी जनता पाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वाह, ऐसी अद्भुत अनुशासित भीड़। भीड़ एक शब्द होता है हिंदी में जिसमें अनुशासन नहीं होता। जहाँ भीड़ आ जाता है मतलब अनुशासन नहीं है। 20,000 लोग, इतना अनुशासन, इतने संस्कार, ये नागपुर में ही हो सकता है, ये मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और आप ही ऐसा कर सकते हैं। मैं आपके इस अद्भुत काव्य प्रेरण को, जिस तरह से आपने इस कवि सम्मेलन को सुना है, मैं अपना सारा प्रेम आप पे निछावर करता हूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहना, ये मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, फ्लैश लाइट्स बंद कर दीजिए, जेब में रख लीजिए इन्हें। इतने सारे मोबाइल अगर आप ऑन रखेंगे, यकीन मानिए मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक शब्द शुरू नहीं करूँगा जब तक ये मोबाइल शुरू रहेंगे। एक शब्द नहीं बोलूँगा, मोबाइल रख लीजिए जेब में, मैं नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी, अब ये तो लाइट के पीछे पता भी नहीं चल रहा भाई साहब है कि भाभी जी है, जो भी आप रख लीजिए, आप भी सब रख लीजिए। देखिए आप समझिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम इतने संवेदनहीन हो गए इस मोबाइल फ़ोन की वजह से, और मुझे समझ भी नहीं आता मुझे रिकॉर्ड करके आप करेंगे क्या। मैं सामने खड़ा हूँ, मैं नज़र आ रहा हूँ, रोज़ टेलीविजन पर आप मुझे देखते हैं, ये रिकॉर्ड करके क्या पाएंगे आप। और मैं इसलिए विरोधी हूँ कि हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे बचाते नहीं, हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब आदमी की संवेदना इतनी मर जाए तो इसे बचा लीजिए, और इसे सब कुछ तो छीन लिया आपका, मैं क्यों रखवा रहा हूं जेब में, आप मेरी पीड़ा को समझ लीजिए, मैं मोबाइल क्यों बंद करवा रहा हूं, इसे सब कुछ छीन लिया आपका। आप समय इस पे देखते हैं, इसने घड़ी छीन ली। आप हिसाब इस पे करते हैं, इसने कैलकुलेटर छीन लिया। आप नोट्स इस पे बनाते हैं, इसने कागज और कलम छीन ली। आप अलार्म इस पे लगाते हैं, इसने आपकी अलार्म घड़ी छीन ली। इसने आपके रिश्ते छीन लिए, इसने आपके बच्चे छीन लिए। अरे मुझे देखने सुनने का आनंद का एक क्षण बचा है, मैं उसे बचाने आया हूँ, उसे रख लीजिए, उसे पाल लीजिए, इसलिए इस मोबाइल को जेब में रखा। वाह भाई, वाह 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 शैलेश, क्या बात, क्या बात। तू मोबाइल लेके बैठ गया वहां, मैं मना कर रहा हूँ, तूने सब कुछ छीन लिया। अच्छा आप बताओ, एक तो ये मोबाइल है, मेरी एक पंक्ति आप ये कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी, ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। वाह 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 वाह, यकीन मानिए, अगर बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, 1947 के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता मधुब जी, तो देश आज तक आजाद नहीं होता। सब एक दूसरे को मैसेज कर, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। भाई वाह वाह वाह, ये स्थिति हमारी, क्या बात है। और ये फेसबुक, पिछले दिनों मैंने कहा था आज तक के एक प्रोग्राम में, फेसबुक मतलब झूठ बोलने का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा। अभी मैं पूछूंगा कितनों के पास फेसबुक है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। है मधुब जी के पास भी और 30 साल पहले पुराना फोटो लगा रखा है। भाभी जी आए हैं ना, किधर बैठे हैं चाची जी, इस तरह बैठे, 30 साल पहले का फोटो लगा रखा है। क्योंकि आदमी वहां पे फेसबुक पे लोगों से बात नहीं करता, चेहरों से बात करता है। क्या बात, चेहरा जितना अच्छा होगा आपकी बात उतनी अच्छी हो जाएगी। वाह, वरना हिंदुस्तानी लोग इतने, माफ कीजिएगा, इतने पाखंडी हैं, टेलीफोन पे अगर कोई आदमी अचानक उसका स्वर मीठा हो जाए तो समझ लीजिए सामने कोई स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। आए हाय अचानक मीठा हो जाए, हेलो हुम डू यू वांट टू टॉक टू, समझ लीजिए स्त्री है जो खुद की नहीं है। वरना स्वयं की स्त्री से जब आदमी बात करता है, यकीन मानिए ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा जिंदगी में, वो असल में बात ही नहीं करता है। जब फोन पे होता है तो सेंटेंस तो पूरा बोलता ही नहीं है, एक ही शब्द बोलता है, वो भी दो दो बार। प्रवीण, ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बीवी से जब हिंदुस्तानी आदमी बात करे तो बात करता नहीं है, एक ही शब्द दो दो बार, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ऑफिस में, ऑफिस में, खा लिया खा लिया, फोन रख फोन रख। भाई वाह 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 वाह, ये सच्चाई है भाई, हम करते ही हैं। और ये फेसबुक, मैं सही बता रहा हूँ सोले साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इतनी कमाल की, मतलब झूठ बोलने का इससे बड़ा काम कोई होता ही नहीं। आदमी चेहरा देख के अपना चरित्र एकदम बदल लेता है। आप कल्पना कीजिए, मान लीजिए फेसबुक पे ये मुमताज नसीम जैसी कोई खूबसूरत युवती एक कुछ स्टेटस लिखे, कुछ भी लिख दे, जैसे कि आज मैं अपने, लोग जाते हैं अपनी कार से जाते हैं, अपने वाहन से जाते हैं, स्टेटस लिख दे भाई आज मैं सरकारी बस में बाजार गई। अब इतना से लिखे, अब आप देखिए चेहरा इनका है तो स्टेटस पर रिएक्शन भी इनके हिसाब से आएंगे। वाह, लिखा भाई आज मैं सरकारी बस से बाजार गई। वाह, पहला रिएक्शन, हाउ स्वीट, हाय हाय,
दूसरा आप कितनी सहज हैं, वाह। तीसरा आपसे हमें सीखना है, वाह। चौथा अगली बार जाए तो हमें भी ले जाना, हाँ। अब यही आज मैं सरकारी बस से बाजार गया, ये लिखे इसकी शक्ल देखो आप, हाँ। शक्ल इसकी और स्टेटस इसका, हाँ। आज मैं सरकारी बाजार, इसकी शक्ल, हाँ। और इसने लिखा आज मैं सरकारी बस से बाजार गया, पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा पैदल जाया कर, चौथा तेरी औकात ही इतनी है भिखारी की औलाद। अब समझ में आया मैं लाखों रुपए क्यों लेता हूं। और यकीन मानिए बार बार कह रहा था लेते हैं लेते हैं लेते हैं, हां लेता हूं, छाती ठोक के लेता हूं, सीना तान के लेता हूं। और आपसे इसलिए कहता हूं कि जिस देश में कम कपड़े पहन के नृत्य करने वालों, अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिल सकते हैं, तो कलम उठाने वालों को क्यों नहीं मिलने चाहिए। वाह वाह वाह, हम कलमकार, हम कवि, हम पत्रकार, हम लेखक, सारे लोग, बदलाव इसी से आता है, पुनर्जागरण के प्रणेता है हम सारे लोग। तब एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं, इन सबके नाम करता हूं, ये चाहे कुछ भी कहें अंततः है इनके हाथ में, इनके आंख में, इनके हृदय में, इनकी आत्मा में ये देश बसता है। तब कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, आलात से शीशे का वजन मांग लिया। क्या शेर कहे उन्होंने कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का वजन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वतन है वो सबसे ज्यादा जरूरी। क्या बात है शैलेश, वाह वाह वाह।